नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का स्वर में टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शिवानी शुक्ला। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कश्मीर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आज दूसरा दिन है। सोमवार को शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, फिल्मों में शूटिंग के लिए कश्मीर से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। बता दें कि इस मीटिंग में 5 देश चीन, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया और इजिप्ट शामिल नहीं हो रहे हैं। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को लेकर केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच विवाद बढ़ा। वहीं कांग्रेस पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को कहा कि संसद में मानसून सत्र में दिल्ली पर केंद्र सरकार के अध्यादेश का कांग्रेस विरोध करेगी। बता दें कि अरविंद केजरीवाल मंगलवार दोपहर 3 बजे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलेंगे। महाराष्ट्र के बुलढाणा में नागपुर पुणे हाईवे पर एक बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हुए। जानकारी के मुताबिक बस पुणे से मैकर जा रही थी, जब उसे सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीते 2 दिनों में भीषण गर्मी से जूझ रहे उत्तर भारत को आज से राहत मिल सकती है। मंगलवार से यहां पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाला है। इससे अरब सागर से आ रही नम हवाओं से भी ताकत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यूपी में गरज चमक, आंधी के साथ ओले गिरने और बारिश के आसार हैं। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर भद्रादी कोतागुड़म पुलिस ने 10 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 5 माओवादियां बीजापुर जिले के रहने वाले हैं। वहीं इनके पास से एक ट्रैक्टर, कॉर्डेक्स वायर और करीब 500 डेटोनेटर बरामद किया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ या फिर तेलंगाना में सबसे बड़े नक्सली हमले की तैयारी की गई थी। हालांकि पुलिस ने इनके नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।